माँ जी लीजिए, प्रसाद लीजिए। नीति बेटा आप भी लो। विजया दीदी हनुमान जी के मंदिर में गया था भाई साहब, फ्लाइट से जा रहे हैं ना। भाई साहब को तो मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। खिलाओ ना। हेलो। इतना बस बस। भाई साहब आपने तो हमें पराया कर दिया। नहीं, नीति बेटा को चक्कर आया था, आपने तो बताया नहीं हमें। वो हमें नर्सिंग होम से पता चला, क्यों आप भैया? हाँ दीदी, मुझे भी समझ नहीं आया कि आपने हमें बताया क्यों नहीं। अभिया मैंने तुमसे कहा ना कि इतनी कुछ बड़ी बात नहीं थी। नहीं थी बड़ी बात? अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, विजया दीदी ने कहा ना बड़ी बात नहीं थी। हाँ भाई साहब ऑल द बेस्ट, कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं ना, इसीलिए। अकेले जा रहे हैं आप? विजया दीदी मेरा मतलब है हमारे नर्सिंग होम से, भाई साहब के साथ कोई नहीं जा रहा है, अकेले अकेले कॉन्फ्रेंस के लिए निकल पड़े हैं। क्यों रतन, मैं अकेला जा रहा हूं तो तुम साथ चलोगे क्या? जोक बाय गॉड, अक्षय भाई साहब को लाइफ टाइम में फर्स्ट टाइम जोक मारते हुए देख रहा हूँ, बढ़िया था। रतन बस करो। बस तुम भी ना कहीं भी शुरू हो जाते हो। अक्षय टाइम। हाँ लेट्स मीट। हाँ चलिए चलिए चलिए, मैं जा रहा हूँ अक्षय भाई साहब को ड्रॉप करने। अक्षय भाई साहब आपके पास वो टैक्सी वाला ऐप है क्या? नहीं। ओहो नहीं, विजया दीदी क्या हुआ है? नई गाड़ी लेने के लिए कुछ पैसों का बंदोबस्त किया था मैंने, वो जुगाड़ अभी हो नहीं पा रहा है, इसीलिए हमें टैक्सी से जाना पड़ेगा। हाँ चलिए। रतन रहने दो, अक्षय को मैं ड्रॉप करने जा रही हूँ, चले। विजय मैं सोच रहा था, दो दिन की बात है तो मैं अपनी गाड़ी ले जाता हूँ, एयरपोर्ट की पार्किंग में पार्क कर दूंगा, लौटते वक्त टैक्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट मैटर ऑफ टू डेज। ये भी ठीक रहेगा। बाय अम्मा जी। बाय बाय प्रिंसेस। पापा मैं भी चलती हूँ बाहर गाड़ी तक छोड़ने। चलिए चल चल। भाई साहब बाय। अरे बुड़बक, हम अंग्रेज थोड़े ही ना जो अंग्रेजी पियेंगे, हम तो देसी है, देसी पियेंगे। ले तेरे लिए भी है, आज मैं देसी नहीं पी सकता, मुझे जब मैं देसी पीता हूँ तो मुझे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। छोटू। अरे शाम। यस सर। तो कुछ लोग मिलने आने वाले थे मुझे, पहुंचे नहीं बता? अभी तक तो कोई नहीं आया सर। अच्छा ठीक है। हेलो हेलो क्या बात है, कहाँ जा रहे हो सच दस के? अरे किसी दूर के रिश्तेदार की शादी में जा रहे हैं। अरे वाह चाचा, तुम्हें भी शादी के जाने का शौक है? शादी में केवल दुल्हन देखने का शौक है बेटे, ताकि ये पता लग जाए किसके मोबाइल में नया सिम डल रहा है और किसकी बैटरी लो होने वाली है। देश की महान गायिका कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री के पिता श्री राजाराम गायकवाड़ के सम्मान में इस पुरस्कार की शुरुआत हो रही है। श्री राजाराम गायकवाड़ ही वो व्यक्ति थे जिनसे उनकी दोनों बेटियां कल्याणी और केतकी ने संगीत की शुरुआती शिक्षा ली।
महान कलाकार श्री राजाराम गायकवाड़ का आभार पूरा देश मानता है, जिनकी वजह से इस देश को कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री के रूप में दो अमूल्य गायिकाएं मिली। पहले राजाराम गायकवाड़ संगीत सम्मान से खुद कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री को सम्मानित किया जाएगा।